सीरीज़ की आज की कड़ी में हम अपने इरादों, मंशा, इंटेंशन के बारे में जानेंगे कि वो इतने ज़्यादा क्यों महत्वपूर्ण हैं। विचार हमारे करैक्टर को बनाते हैं और एक्शन हमारे लिए वातावरण बनाता है। हम सभी अच्छे कार्य करना चाहते हैं और हर कार्य के पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है, पर यदि यही उद्देश्य स्वार्थ, किसी लालच और दिखावे के लिए हो, तो क्या वो अच्छा कर्म हमारे लिए फायदा करता है या सिर्फ हमें संतुष्टि देता है। कर्म में इंटेंशन इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि इंटेंशन उस ऊर्जा को आकार देता है जिसे हम दुनिया में लगाते हैं। जब हमारे उद्देश्य सकारात्मक होते हैं, जब हम प्रेम, करुणा और निस्वार्थता से कार्य करते हैं, तो हम सकारात्मक ऊर्जा बनाते हैं और सकारात्मक परिणामों को आकर्षित करते हैं। जब हमारे उद्देश्य नकारात्मक होते हैं, जब हम क्रोध, लालच, स्वार्थ या दिखावे के लिए कार्य करते हैं, तो हम नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं जो नकारात्मक परिणामों को आकर्षित करती है। दूसरे शब्दों में, जो ऊर्जा हम दुनिया में डालते हैं वह वही ऊर्जा है जिसे हम वापस अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हम इस नियम को आगामी कर्मा के रूप में एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तीन प्रकार के व्यक्ति हैं, जिसमें से पहला बहुत ही परोपकारी है और निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहता है। दूसरा व्यक्ति है जिसमें स्वार्थ है, अहंकार है, वो सेवा सिर्फ इसलिए करना चाहता है ताकि उसे समाज में प्रतिष्ठा मिले, उसकी वाहवाही हो। और तीसरा वो व्यक्ति है जिसके पास सेवा का भाव तो है, पर उस सेवा के पीछे थोड़ा सा एक स्वार्थ भी है। तो ये मिक्स प्रकार का व्यक्ति हुआ। तीनों ही समृद्ध घर के हैं और तीनों ही डिसाइड करते हैं कि अपने नेबर्स, अपने कम्युनिटी के लिए वो पार्क बनाकर दान करेंगे ताकि उस पार्क में लोग घूम सकें, टहल सकें और बच्चे खेल सकें। तीनों ने ही पार्क बनाकर दान किया। इनके कर्मों का फल आत्मा के सुधार के लिए या गिरावट के लिए इन तीनों पुरुषों के चरित्रों को उनके भविष्य के जन्मों में गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। ये इंटेंशन बड़ी संख्या में लोगों को खुशी पहुंचाने का जो कार्य किया था, उसका फल उनके मकसद पर निर्भर नहीं करता। लोग पार्क का समान रूप से आनंद लेते हैं, चाहे इसके उपहार के लिए किसी भी कारणों से इनको प्रेरणा मिली हो। तो ये आनंद देने वाले के एक्शन के कारण प्रकृति के ऊपर एक कार्मिक क्लेम स्थापित हो जाता है। इसके लिए प्रकृति को दिया गया ये एक ऋण है जिसे ईमानदारी से हमारा ब्रह्मांड चुकाता है। उन तीनों को ही अगले जन्म में फिजिकली आरामदायक और विलासितापूर्ण वातावरण प्राप्त होगा। चूंकि तीनों ने ही धन का त्याग करके उस पार्क को बनाया, तो जो भी दिया जाता है वो हजार गुना होकर वापस आता है। इसीलिए तीनों ही अगले जन्म में समृद्ध घर में पैदा होंगे। पर अगले जन्म की समृद्धि और उनके वातावरण की खुशी उनके चरित्र पर निर्भर करती है कि वो उसका किस तरीके से सदुपयोग या दुरुपयोग करेंगे। जब पर्सनालिटी एक जीवन में सेवा करती है, तो प्रभाव के रूप में दूसरे जीवन में भी उसे सेवा के बड़े वे अवसर पैदा होंगे। तो जो पहला व्यक्ति था, निस्वार्थ भाव से जिसने पार्क को बनाकर दान किया था, वो अपने सेवा में और ज्यादा वृद्धि करेगा। वो नए नए अवसर ढूंढेगा ताकि वो अपने पैसों का उपयोग सेवा में लगा सके। जो भी उसके पास सुख सुविधाएं और धन है, उसका उपभोग भी वह बहुत अच्छे से करेगा। शांति और आनंद में उसका जीवन बीतेगा। जो दूसरे प्रकार का व्यक्ति है, जिस जो स्वार्थी था, उसके पास धन तो होगा पर धन का उपयोग करने की मानसिक क्षमता नहीं होगी। वो चाहेगा कि वो अपने धन को और आगे बढ़ाए। चूंकि उसके मन में लालच, स्वार्थ और दिखावे की भावना थी, इसलिए अगले जन्म में जब उसका एथरिक बॉडी का ब्रेन बनेगा, वो दोषपूर्ण तरीके से निर्मित होगा, अर्थात एक दोषपूर्ण फिजिकल ब्रेन पाएगा।
ऐसा व्यक्ति उस समृद्ध घर में पैदा होकर बहुत सारे प्लान बनाएगा, पर उसके में खुद के में कार्यकारी क्षमता में कमी होगी। यानी कि वो किसी भी विचार को समझेगा लेकिन उसका ब्रेन स्पष्ट रूप से प्रभावित करने में असमर्थ होगा और वो महत्वाकांक्षा को पूरी नहीं कर पाएगा, जिसके कारण वो फ्रस्ट्रेशन में बदलेगा। उसकी वासना और इच्छा और ज्यादा बढ़ते जाएगी। हो सकता है कि वो ड्रग्स या अल्कोहल का सेवन करे या जुए की आदत में पड़ जाए। इस तरह से वो अपने विरासत में मिले हुए धन को बढ़ाने के बजाय और नुकसान करता चला जाएगा और साथ ही अपने स्वास्थ्य में गिरावट भी लाएगा। जो व्यक्ति मिक्स्ड प्रकार के उद्देश्य रखता है, कुछ अच्छा और कुछ बुरा, यानी कि वो सेवा भी करना चाहता है परंतु उसके भीतर एक लालच भी है कि इसका फल मुझे मिले, पर चूंकि उसके अन्य कार्यों के द्वारा भी उसकी मानसिक क्षमता विकसित होगी तो वो धन का उचित उपयोग कर भी पाएगा या नहीं भी कर सकता। यानी कि उसके पास अच्छे और बुरे परिणाम दोनों ही हो सकते हैं। यही सिद्धांत अक्सर किसी अपने प्रिय बच्चे या लव्ड वंस की देखभाल से दूर रखने में भी काम करता है। यदि कोई पर्सनालिटी उस व्यक्ति के साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार करती है या उसकी उपेक्षा करती है जिसके प्रति उसको स्नेहपूर्ण केयर, प्रोटेक्शन या किसी भी प्रकार की सेवा का दायित्व, उसकी ड्यूटी हो, तो यह बहुत संभव है कि वो फिर से अपने लिए वो वातावरण पैदा करेगा जो उसने अपने स्वयं के द्वारा बनाया है। हो सकता है कि वो एक ऐसे इंटीमेट रिलेशनशिप में जाए और उसका पार्टनर उसके साथ निग्लेक्ट यानी कि उसकी उपेक्षा करेगा, या हो सकता है कि वो उसके पार्टनर या बच्चे के रूप में आए और शीघ्र मृत्यु के कारण उससे दूर चला जाए, या ये भी हो सकता है कि जिसकी उसने उपेक्षा की थी वो अगले जन्म में उसके इकलौते बेटे के रूप में प्रकट हो। वे अपने बच्चे का बहुत ही अच्छे से पालन पोषण करेंगे और बहुत सारी आशाएं बांधेंगे, पर वो बच्चा बड़ा होकर उन्हें छोड़ देगा। वो आश्चर्यचकित होंगे क्योंकि उन्होंने पालन पोषण में कोई कमी नहीं की थी। आसपास के पड़ोसी के बच्चे भी अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, तो फिर ये उनके साथ ऐसा क्यों? पर ये भी कर्म का नियम है। ये वातावरण भी उन्होंने पिछले जन्म में स्वयं ही चुना था। तो फ्रेंड्स, इस नियम को हमेशा आप ध्यान में रखिए कि जो भी हम कार्य करते हैं उसके पीछे हमारा उद्देश्य कुछ भी पाने का नहीं होना चाहिए। गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारः रस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करते जाओ पर फल की आकांक्षा बिल्कुल भी मत रखो। आपके पास अगर धन है, वस्त्र है, भोजन है, ज्ञान है, जो भी चीज है, आप उसे बांटिए, क्योंकि बांटना आत्मा का परम धर्म है। तो हमारे हर कार्य सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के लिए ही होना चाहिए। वसुदैव कुटुंबकम, हम सब एक ही कुटुंब के हैं। तो यदि हमें यूनिवर्स ने इतना कुछ दिया है तो क्या आभार व्यक्त करने के लिए हमें लोगों की सेवा करके यूनिवर्स को वापस नहीं करना चाहिए? तो निस्वार्थ भाव से आप कार्य करिए, गुड कर्मास आपके आत्मिक विकास में सहयोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।